अस्सलामुअलैकुम। ब्रेन ट्यूमर्स लफ्जी एतबार से तो दिमाग के कैंसर को या दिमाग की रसूदी को कहा जाता है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हर मास जो कि दिमाग के अंदर ग्रो कर रहा है या खोपड़ी के अंदर ग्रो कर रहा है, जो दिमाग को प्रेस कर रहा है या दिमाग पर दबाव डाल रहा है, उसको हम ब्रेन ट्यूमर्स की तरह से ट्रीट करते हैं, उसको ब्रेन ट्यूमर्स ही कहा जाता है। ये ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वो जो बिनाइन होते हैं, कहने का मकसद ये कि वो जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, और वो जो मेलिग्नेंट होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। दोनों सूरतों में इसका इलाज जो मुमकिन है, और आज के दौर में ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि बहुत सेफ़ है। आमतौर पर जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता है उनका जो पहला सिम्टम होता है, जो पहली अलामत होती है, वो सर का दर्द होता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हर सर का दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, बल्कि 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सर का दर्द डायग्नोस होता है तो उसके डायग्नोसिस में ब्रेन ट्यूमर निकलता है, बहुत ही कम होता है ऐसा। अमूमन ब्रेन ट्यूमर्स में सर के दर्द के साथ दूसरी अलामत होती हैं, जैसे उल्टी, मतली, बिनाई ख़राब होना, जिस्म का एक हिस्सा कमज़ोर होना, इंसान की बातचीत करने की सलाहियत अफेक्ट होना, या मिर्गी का दौरा होना, झटके पड़ना। अगर आप के किसी अजीज़ को शुबा है ब्रेन ट्यूमर का तो आप हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप यहाँ पर आ भी सकते हैं, वरना फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेके आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू अपने शहर में रह के हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इस सूरत में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हम मंगवा लेते हैं और फिर रिपोर्ट्स यहाँ पर बोर्ड में डिस्कस करके जो इलाज है वो तजवीज़ करते हैं।